की टीम इस वक्त बैटिंग करते हुए जिंदल पैंथर पहले बॉल पे दो रन दिया, अच्छा शॉट था, काफी फाइन खेला जीएम टू ने। पिच की नमी का फायदा उठाना चाहते हैं जिंदल पैंथर के प्लेयर्स, इसलिए टॉस जीत के पहले बल्ले पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अलहदा टीम के मैनेजर सिकंदर भाई का एक बार फिर स्वागत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन शॉट, काफी फाइन खेला से खेल रहे हैं। हालांकि अलहदा के प्लेयर्स अपनी हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। हरिया पे प्रेशर, देखते हैं कैसे कमबैक कर सकते हैं। और ये शूट पैंथर मैक्सिमम, हरिया कमबैक करने की बजाय कमर दर्द करवा रहे हैं। कप्तान नाखुश हरिया से, एक बहुत लंबा छक्का। इस वक्त दोनों टीमें बहुत प्रेशर में हैं, बहुत बड़ा सेमीफाइनल, यहाँ पे सिर्फ नफ्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं आपको बता दूँ फील्ड कुछ इस प्रकार है, दोनों तो मिड ऑन मिड ऑफ डिफाइन लेग स्क्वायर लेग, और अगली गेंद इसी बीच हरिया की, बहुत ही बेहतरीन गेंद आउट स्विंग होती हुई 138 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। रंजीत ने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया है, आज के दिन का सबसे खूबसूरत कैच है। अंशु रैना की तरफ से इनको 10 रियाल का इनाम दिया जाता है। पहला गेंद बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए कप्तान, पहले ओवर की दूसरी गेंद लेके जाते हुए मिस्टर रैना छोटे छोटे बॉलिंग रन अप से अपने तीसरा गेंद देखा है कि अंशु जी जब बॉल करवाते हैं तो पहले 5 मिनट खड़े होकर सोचते हैं झुक के, इसके पीछे क्या राज है? वो मोदी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ओम भूर्भुवः मंत्र का जाप करते हुए बॉलिंग करते हैं, और इससे क्या होता है, मंत्र की जो वेव लेंथ वो बॉल के वेव लेंथ के साथ मिलकर अजीब सा स्विंग पैदा करती है जिसे कोई भी समझ नहीं पाता है। जो ये स्विंग हो रही थी उसी का कमाल था, ये उसी का कमाल था, अभी बहुत सही पकड़े हैं आप। काफी अच्छी फील्डिंग रवि के द्वारा, उतनी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए कप्तान जिंदल पैंथर के कप्तान। नदीम भाई घर फाइनल हो गए, आज जितनी देर से मैं जाऊंगा लगता है मुझे अपना घर फाइनल करना पड़ेगा। फिल्टोस बॉल नाखुश बैट्समैन यहाँ पे, पहले
इतनी बेहतरीन शॉट की तरफ और इतनी खूबसूरत फील्डिंग। स्कोर प्लीज। दो ओवर की समाप्ति पे 18 रन हो चुके हैं। इस वक्त हरिया और अंशु जी काफी सोच विचार में, किसको ओवर दिया जाए और किसको ना दिया जाए, लेकिन आखिर में रंजीत का नाम आया। एक अच्छा ओवर रंजीत से भी टीम के लिए मैच का रुख बदल सकती है, क्योंकि मैच बहुत अपने क्रूशियल स्टेज में जाता है। राइट आर्म ओवर द विकेट रंजीत लेके आ रहे हैं। तीसरा ओवर, जयेश पटेल की आवाज नहीं आ रही फील्डिंग से। जयेश पटेल के लिए भी एक बार तालियां बजाइए। प्रवीण तांबे, प्रवीण तांबे के साथ खेले हुए प्लेयर है, 48 इयर्स। हमें तो उसके अंदर तांबा नजर आता है। खून गरमा रहे हैं। बहुत अच्छी फुल लेंथ बॉल। नितिन जी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि मैच बहुत टेंस हो गया तो थोड़ा इस माहौल को लाइट करें। मैं इस टाइम पे सिर्फ लाइट बुझा सकता हूँ। अल्लाह की टीम काफी परेशान दिख रही है। एक ही अब तक का सिक्स लगा है इस इनिंग में। हालांकि अल्लाह की टीम जानी जाती है उसके लंबे लंबे छक्कों से। सिकंदर भाई सबर रखिए, सबर में बरकत है, जल्द आपको या छक्का या विकेट जरूर नजर आएगा। सारे बॉल को समझ के डाल रहा है, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। मैं आपको कह रहा था कि रंजीत इस में काफी अच्छा रोल रखते हैं। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग रहना चाहिए और जिस सोच विचार से अंशु जी को लेके आए थे वो पूरा हो गया। बैट बदलने के लिए सिकंदर भाई ने कि भाई बैट बदलो या बैट वापस। चौथा ओवर लेके आ रहे हैं, ला चुके हैं, बिल्कुल लाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन बॉल, जड़ में रखा गेंद को। ये
अरे गलत नहीं होता कौन बुटान जोटा ना अरे गलत नहीं होता नहीं होता स्कोर है 24 मौके का पूरा फायदा उठाया फुल टॉस मिली और फुल टॉस को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। थोड़ा बहुत हलचल नजर आई है अल्लादा के स्टैंड में। और फिर से लगातार ये दूसरा चक्कर दो सिक्सेस बाय अल्लादा। अगर तीसरा छक्का लगेगा तो 10 रियाल का वाउचर है बैट्समैन के लिए। और इसके साथ अपने खाते में 10 रियाल का इजाफा करते हुए बैट्समैन 3 कंसेक्यूटिव सिक्सेस छक्कों की हैट्रिक। तीन छक्के 10 रियाल में कमाई है। अशरा रियाल आप तो बोल जो स्कोर डॉट बॉल वापसी की चार ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। आखिरी ओवर सुनील भाई पटेल अंपायर अपने बाजू फैलाते हुए एक रन का इजाफा। सपोर्टिंग टीम जो मेरी सपोर्टिंग टीम है उनसे गुजारिश है कि गुजारिश की अनाउंसमेंट कैंसिल करते हैं। इस गुजारिश से खारिज हो रही है किसी को। एक बार फिर अंपायर ने बाजू फैलाए। अब तो जिस तरह की ठंड पड़ रही है अंपायर को भी गुस्सा आता है वाइड का इशारा देते हुए जैसे सुवर के अंपायर खड़े हैं। और एक और लंबी शॉट और खूबसूरत कैच
शाम का रात में एक क्या बेहतरीन कैच, बेहतरीन कैच। इस कैच के लिए अंशु रैना ने 10 रियाल का और ऐलान किया है। जब अंशु जी इस मैच से निकलेंगे तो कर्जदार ही निकलेंगे लगता है। अब तक अंशु जी 30 रियाल का ऐलान कर चुके हैं। स्कोर बताएं जी, स्कोर और इस एक रन के इजाफे के साथ 48। अंशु जी आपके चाहने वाले हमारे साथ यहां मैट पे बैठे। बहुत बेहतरीन बॉल, अंपायर ने फिर अपनी बाजू फैलाए। 49 रन, लास्ट बॉल, मैच का आखिरी बॉल। एक और वाइड बॉल, राम भाई खुद भी परेशान हो गए। लगता है हाड़ू को आवाज देनी पड़ेगी, साड़ू को। 50 रन, ना हाड़ू नजर आ रहा है ना साड़ू नजर आ रहा है। और बहुत खूबसूरत बॉल, और पहली इनिंग का खामना चाहिए अगर कोई मैच जीतने के लिए। 51 रनों का सुपर रन टारगेट दिया है और जिंदल पंत अरे 51 सगुन जरूर देगी वापस में। सारा बोल पराग और अंशु जी के कांधों पे। पहली बॉल पे अंशु रैना का बेहतरीन छक्का और इस तरह इस ग्राउंड में बैठे हुए जिंदल आज अपना रंग दिखाएंगे। करेंगे सरग।
अगले छक्के पे 30 में से 10 माइनस होगा। लगाओ लगाओ एंट्रिंग कॉल 10 रही यार, एंट्रिंग कॉल 10। वैसे भी अभी मैंने सबके बिल क्लियर करने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स वहां बैठे हुए मेरे लिए टेंट में। अल्लादा के प्लेयर्स काफी परेशान हो गए पहले दो बॉलों पे दो छक्के खाने के बाद। और इस बार मोहताद अंदाज से खेले। अब मिला पराग को मौका हमारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन 19 रन 5 बॉल पहले ओवर की। वैसी उम्मीद पराग से लगाए बैठे हैं। बॉलर ग्राउंड में फील्ड को चेंज करते हो और इस वक्त पराग सामना करेंगे बॉलर का नाम बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस किया एक रन चुरा लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज पराग की जानिब से वो एग्रेसिवनेस नजर नहीं आ रही लेकिन दूसरी जानिब अंशु रैना खूब अपने बल्ले को घुमाते हुए तो भाई टेस्ट मैच नहीं है। कप्तान और उप कप्तान काफी अच्छे तरीके से मैच की परिस्थिति को देख के मैच को चला रहे हैं। और अंपायर ने आखिरकार इस सर्दी में अपने बाजू खोल दिए। दूसरे ओवर की पहली बॉल लेके बॉलर बहुत ही बेहतर एक बार फिर उठा के खेला बोल लगाया हुआ शॉट रोगन गोस्ट शार्प शॉट था ये। रोगन घोष <गोस। laughs>
स्ट्राइकर पे है पराग सौराष्ट्र से और अपने काफी सेवाएं देके यहाँ पे इंटरनेशनल लीग में आके पहुंचे हुए हैं। तमाशाई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छी वापसी अल्नादर की जानिब से इस गेम में वापस आए, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नजारा मिस करते हुए। अगर बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट ट्रैवल समेत करा के द्वारा। अगर इस ओवर में पराग का निकालते हैं तो अंशु जी की तरफ से 10 रियाल का इनाम। आज अंशु पैसे बरसा रहे हैं। डेबिट कार्ड तो खत्म हो चुका है, क्रेडिट पे भी चल रहा है सारा मामला। भाभी जी का फोन मुझे आ चुका है। एक पॉइंट के साथ एक थुमका फ्री। बैट्समैन चहल कदमी करके बॉलर को भ्रमित कर दे रहे हैं उनके लाइन और लेंथ को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं 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 सर नहीं, थुमका सिर्फ वाइड पे दिखाया जाएगा। और दम पेरी आलू बोल रहे हैं, चार रन जाएंगे ले। हाँ कच्चा मारी, कच्चा फुल पेट है तेरे। और 8:27 नहीं बना रहे, लेट बोल रहे, लेट बोल रहे जिंदल पैन, लेट बोल जिंदल पैन तो रहे कि टीम के पास हर बार चौबीस रन की आवश्यकता है। जयेश पटेल की तरफ से अनाउंसमेंट है 10 रियाल अगले छक्के की। Oh,
अगला बैट्समैन जिंदल, स्कोर है 34। 15 गेंदों में 17 रन की जरूरत है, बस सिर्फ सूझबूझ दिखाने की जरूरत है। 15 बॉल, कप्तान चला सीना तान। काफी पुरोमित जिंदल पैंथर के खिलाड़ी, श्याम ने बॉल मिस कर दी। 14 बॉल टू गो, 17 रन रिक्वायर्ड। श्याम बोर्ड हो चुके हैं। बहुत अच्छी स्ट्राइक रोटेट करना जरूरी है। बॉल में 16 रन, सेम 4 रन का डिफरेंस। नारे हेदरी, अश्विन ने सिर्फ एक रन बनाया 4 बॉलों में। अंशु रैना इस वक्त 20 रन की इनिंग्स खेल चुके में मौजूद है, जिसमें 3 छक्के 7 बॉलों में। हरीश अगले बैट्समैन, Thank you.
सामना करेंगे। हैदर खान और आते ही स्ट्राइक रोटेट की हरीश ने, और ये दौर में 15 रन की जरूरत है। अंशु के लिए जोरदार तालियां, टेंट से भी आवाज आनी चाहिए। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सुपर ओवर के लिए 11 रन और जीतने के लिए 12 रन। सुपर में 12 रन। batsman
जयेश पटेल सामना करेंगे। छक्के की जरूरत है बस। चार बॉल में 11 रनों की जरूरत है।